अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब की अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और आज फुज़ैल घर पे नहीं है, काम से गए हुए हैं, तो आज बच्चों को सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो मैं करवा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ही बैठ के सब बच्चे खाना खा रहे हैं। थोड़े थोड़े बच्चों को खिलाऊँगी और फिर इनको साथ साथ अंदर बंद करती रहूँगी। और इनको खाना शाना खिला कर तो फिर मैं उठती हूँ और सफाई करती हूँ, और हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है। सो या मिनी, तो अभी जी मैंने ना नमाज भी पढ़ी है और नहाई हूँ, अभी बाल प्रॉपर ड्राई नहीं हुए। और मेरा जो केराटिन था ना वो काफ़ी, देखें अब वो नीचे वाले बालों में सिर्फ केराटिन रह गया है, और ये सारे मेरे यहाँ तक जो है ना ये सारे फ्रेश बाल हैं। तो अब ये दोबारा से कर्ली आने लग गए, तब मैं दोबारा से केराटिन करवा लूँगी। नीचे वाले बाल तो अभी तक स्ट्रेट है, बहुत अच्छा केराटिन मेरा चल रहा है। और अब फुज़ैल भी घर आ चुके हैं, ये लेटे हुए हैं, और मैं फुज़ैल को चाय बना के देने लगी हूँ। सफाई भी मैंने कर दी है और आज ये वाली बेडशीट बिछाई हुई है। तो अभी किचन में जाती हूँ, चाय बना कर खाती हूँ। के लो आपकी चाय और मेरा अंडा। वो तो मैंने बनाया ही नहीं, बनाती हूँ अभी, नहीं बनाया, बना देती हूँ। मैं खुद ही बना लू। बना लो। चलो जी अब हम चलें। हाँ चलते हैं अभी, हम लोग बाहर जाने लगे हैं और ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है और आटा वगैरह भी लेना है। अच्छा वो जो है सिलेंडर इतना वजनी है, लग रहा है कि फुल है। उसका अपना वेट है। बहू कहता है मैंने भी बाहर जाना है, मुझे भी लेके जाओ। नहीं मफिन को नहीं लेके जाना। चलें जी फिर हम घर आएंगे तो वीडियो बनाएंगे। मंडी में वीडियो बनाओ ना तो उनको बड़ा एतराज होता है। हाँ क्योंकि पता क्या होता है, मंडी हमारे पास ही है तो हम मंडी से ही लेते हैं सब्जी ना, तो मंडी में होता है ये। एक दफा ना हम लोग गए सब्जी लेने तो मैं ना वहाँ पे ब्लॉग बना रही थी, तो उन लोगों ने ना वो नाराज होने लगे सब्जी वाले, क्योंकि उन्होंने रेट तो वो लगाया नहीं होता जो पीछे से लग के आता है, वो उससे भी 100-200 ज्यादा बता रहे होते हैं। तो उनको ना टेंशन स्टार्ट हो गई कि कहीं हम उनकी वीडियो जो है हम ऑनलाइन कहीं अपलोड करेंगे या गवर्नमेंट को हम कोई कंप्लेन करेंगे, तो वहाँ पे वो लोग नहीं बनाने देते वीडियो। लेकिन अगर कोशिश करूंगी, अगर थोड़ा बहुत बाहर जाके भी ब्लॉग बना सके तो बना लूंगी। चलिए, और जैसे ही हम लोग बाहर आए हैं मंडी तो तेज़ आंधी चल गई थी। वैसे तो हम लोग सुबह को ही आते हैं सब्जी वगैरह लेने, लेकिन आज फुज़ैल घर नहीं थे तो हमें आते आते रात ही हो गई। और हम जब आए हैं तो इतनी तेज़ आंधी चलने लग गई थी यहाँ पे, बट हम लोग गाड़ी में थे, बस हमने सब्जी ली अपनी और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मम्मा के घर चली गई। और वापसी पे तो तेज़ बारिश हो चुकी थी ना, बस हमने फिर जल्दी जल्दी जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई हमने घर आने की, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन जो है उसको हम कवर ही नहीं करके गए थे ना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी बारिश हो तो लाइट फ़ौरन से चली जाती है। अभी बाज़ार से आ गए हैं और मेरी फरमाइश पे आज दाल और कीमे के पराठे बन रहे हैं। कल जो सालन बनाया था वो ये वाला आज के लिए बच गया था, ये लाइट आने वाली थी ना, लाइट आने वाली थी, चले लाइट का झटका लगा, अल्लाह ना करे कुछ जले। और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ पराठे, क्योंकि हमारे यूपीएस की बैटरी आजकल जरा वीक हुई है, इससे पहले कि यूपीएस बंद हो जाए तो मैं कह रही हूँ मुझे जल्दी खाना खा लें और बच्चों को भी खिला दें। हम बड़ी स्पीड में आए हैं भागते हुए, क्योंकि वो था बारिश तेज थी और हमने मशीन को कवर ही नहीं किया था। आपने कितने खाने तो बोल के बता दो। मैं इशारे से कह रहा हूँ इतने, मुंह से बोल नहीं रहा। अगर मैं दिखावा होता ना मैं कहता, मैं इशारा इतना इतने का करता और बोलता इतने बना दो, मुंह से कहता एक बना दो और इशारा इतने का करता कैमरे की बैक साइड पे, है ना। तो जितने खाने उतने ही बोलो। आज ये टमाटर बड़े सस्ते मिले हमें, ये पता है कितने रुपए किलो मिले हैं, 100 रुपए के 4 किलो। और टमाटर भी बहुत, टमाटर भी बहुत ज़बरदस्त है, 50 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए के 4 किलो। और प्याज भी बड़ा सस्ता हुआ है आजकल, 300 रुपए का पहले 1 किलो मिलता था और आजकल 300 रुपए का 5 किलो मिल रहा है।
चले जी, फिर जब पराठे खाएंगे तो फिर हम आपसे मिलते हैं। यकीन माने बाहर बारिश हो रही है और बादल इतने ज़बरदस्त गरज रहे हैं, और ये देखें पराठे, यकीन माने इतने लजीज पराठे हैं, इतने लजीज, फुल ना मुंह तक भरे हुए हैं दाल से। ये देखें, खोल के दिखाता हूँ, ये अंदर कीमा और दाल, नज़र आ रहा होगा कीमा आपको, धुआं उड़ता भी नज़र आ रहा होगा। आप लोग भी लाजमी ये ट्राई करें, दाल और कीमे वाले पराठे, आपको मज़ा आ जाएगा, साथ अचार और चाय हो तो क्या ही बात है। हमारा तो दूध भी बहुत अच्छा होता है, हमने दूध पत्ती बनाई है साथ, अभी वो भी आ रही है मेरी, तो फिर उसके साथ एक सिप उस दूध का, एक सिप चाय का और एक ही पराठे का, कमाल का मज़ा आ जाएगा। चलें जी, मैं भी इंजॉय करता हूँ, फिर आप भी बनाएं अपने घर में और आप भी इंजॉय करें। जी 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 जी, क्या करती है तू सुबह सुबह? जी 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 जी, सब बच्चे सो रहे हैं, तुम्हें नींद नहीं आती हैं? तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है जीजो? जी जी, तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं है? नींद क्यों नहीं है तुम्हारी आंखों में जीजो? जी जी जा, ये जी जीवा की आंखों में नींद ही नहीं है। जीवा सुबह फजर का टाइम और जीवा उठी हुई है, अब फिर तुम्हारे पास आ रही है। मफिन जी, रात को तो हम लोग सो गए क्योंकि रात को लाइट चली गई थी, और फिर लाइट आई सुबह फजर की अजान के टाइम, और आंधी की वजह से घर का बहुत बुरा हाल है क्योंकि आंधी भी चल रही थी, बारिश भी बहुत आई है। तो अभी सफाई करेंगे, फिर इसलिए रात को हम लोग कोई वीडियो भी नहीं बना पाए। मफिन, मफू, मफिन इधर आओ, मफू दादा गुस्से से बात करता है। मिस हेजल, हेजिटेट, हेजल हेजिटेट। अच्छा, बारिश के बाद का जो घर होता है ना, बड़ा बुरा लगता है। इधर आओ, हेजिटेट, इधर आओ, इधर आओ, हेजिटेट, हेजिटेट। दादा, दादा कहते क्यों बुलाया है? अरे दादा, हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमने आपको बिस्किट्स देने हैं, हमने आपकी वीडियो बनानी है आपको। हमने आपको इसलिए बुलाया, हमने आपको बिस्किट्स देने हैं, हमने आपकी वीडियो बनानी है। मफिन, आप खाना चाहती हैं? मफिन, दादा, दादा बारिश तो कितनी भी आई है दादा, रोब देखो जरा दादी। शुक्र है मेरा दादा जदी के हथे नहीं चढ़ गया, बहुत ही मासूम है। बर्गर बॉय, बर्गर बॉय, बर्गर बच्चा है ना, अगर उसके हाथ चढ़ जाता तो फिर बस नहीं, उससे मुकाबला ना कर सकता, ना कर सकता, बहुत मासूम है। इससे इसको नहीं लड़ना आता, ना इसके अंदर कोई चलाकी है, मासूम तरीन बच्चा। मेरे बेटे को दे दो खाना, नाश्ता करने आए। दादा सुबह सुबह नाश्ता मांगने आए कि मुझे नाश्ता दे दो, अब मेरा दिल घबरा रहा है, देखो मुझे पकड़ा हुआ कैसे है, मेरी मिन्नते कर रहा है। अब दादा को खरीदते हैं खाना, ठीक है दादा? दादा खाना चाहिए, दादू, दादू खाना चाहिए मेरे दादू को। मफिन जी,
इधर हैजल ने खाना खा लिया और वो देखे मफिन बायर डॉग्स को देख रहा है। मफिन उनका मुआयना कर रहा है बायर। मफू देखें, देख कैसे रहा ये चेक करते हैं, पता नहीं किसे देख रहा है। दादा किसे देख रहे हो? कौन है बायर, कौन है बायर? मफू को पता चल गया कि कोई बायर है। हमारे घर कौन आ गया आज? ही अंदर सुबह सुबह का टाइम है, ने खाना खिला के भी फारिग हो और वो चिड़िया आ गई है ऊपर, पता नहीं कहाँ गई, इधर ही थी अभी पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद उड़ गई है, उड़ के चली गई है कहीं। और आज क्या पक रहा? तोरियां, सिंपल तोरियां, सिंपल ही बना लेती हूँ, सिंपल ही बना लो, नहीं सिंपल ही बना लो, फिर मैं अभी जुम्मा पढ़ने जाऊंगा तो फिर मैं खुद ही गोश ले आऊंगा। अच्छा सिंपल ही बना लेती हूँ। मुझे अचार का आज एक डब्बा चाहिए बजाय। इतनी बारीकी से काट रही हो? वो फिर मुझे बिल्कुल खुली ही पसंद है ना, वो फिर जल्दी कट जाती है। और दूसरी बात ये कि गर्मी है तो सब्जी जल्दी खराब होती है, तो मेक श्योर कर रही हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, कहीं से कोई ख़राब ना हो सब्जी। वैसे भी इसमें भुजिया बना लेनी है ना मैंने इसकी। जी आज जुमे का दिन है और यहाँ मैं खा रहा हूँ खाना जी, और इतना लजीज बना है खाना, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, यकीन माने कमाल का जी। तोरियाँ ये देखें जी, चपातियाँ साथ, और ये रोटी, ये तोरियाँ बनी हैं साथ, ये हरे धनिया की चटनी, ये प्याज प्याज टमाटर हरी धनिया और मिर्चों की चटनी, और ये साज, ये तोरियां, और साज ये लगाया। मैं कहता हूँ क्या ही मज़ेदार तोरियां बनी हैं, यकीन माने मज़ा आ गया। और साज ये रहता है चटनी है, जिसमें सब कुछ मिक्स हुआ है। मज़ा आ गया खाने का आज तो, इतना मज़े का, इतना ज़्यादा, बहुत ही सिंपल तरीके से ना मैंने बहुत मज़े की तोरियां बनाई हैं। रेसिपी आपको रिदा फुज़ैल ब्लॉग्स पे मिल जाएगी। अच्छा कुछ लोगों को मेरा वो चैनल मिल नहीं रहा होता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं वीडियो के, आपको वहाँ पे उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे मेरी सिर्फ रेसिपीज़ नहीं होती, मेरे ब्लॉग्स भी होते हैं। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए। दोनों चैनल पे अब आपको डेली ब्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।